हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिप्लोमा वाले के लिए बहुत बड़ी अपडेट आज भी डीआरडीओ की ओर से, यानी कि डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया जो कि टीयर 2 का एडमिट कार्ड हो गया। जो अगर आपने टीयर 1 का एग्ज़ाम दे दिया है कि तो आप टीयर 2 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वीडियो में बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो कैंडिडेट है जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए होंगे भर्ती, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आप अगर फर्स्ट एग्ज़ाम दे चुके हैं तो टीयर 2 का यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको ऑफिशियल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपको एक लिंक मिलेगी, इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मालूम एक नया पेज फिर ओपन होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्लिक किया तो व्यू या डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द टीयर 2nd CBT फॉर द STA यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस जैसे करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए डाउनलोड करने के लिए मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट अभी ITI वाले डाउनलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब ये डिप्लोमा वाले भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से अपना एडमिट कार्ड। कि आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर आप अपना भूल चुके हैं या, और यहाँ पर DOB डाल के आप अपना और कैप्चा डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। रिसेट बटन पे क्लिक नहीं करना, यानी इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, आपका जो परीक्षा पेपर होगा यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया जाएगा, यानी कि ये प्रवेश परीक्षा में आपका जमा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, और ये लिखा है DRTC 10, और ये है देखिए एडमिट कार्ड टीयर 1st एग्जामिनेशन, जिसका ये बार कोड है। ये जो मेरा सेंटर गया वो यहाँ पर सेंटर गया, और मेरा जो पेपर है वो ये देखिए 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक फर्स्ट पाली में पेपर होगा। यहाँ मुझे उपस्थित कितने बजे, 8:30 बजे होना है, प्रवेश 9 बजे बंद हो जाएगा। ये मेरा पहचान पत्र जो कि आधार कार्ड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, और यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पे मेरा वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, और यहाँ मेरा परीक्षा की तारीख आ जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से आप ही अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा जब आप वहाँ पे उपस्थित होंगे, और यहाँ पे जो आपके क्लास टीचर होंगे वो साइन करेंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड लेके जाना, या तो पैन कार्ड लेके जाना, प्लस आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, प्लस आपको एक फ़ोटो भी लेके जाना है। यानी इसमें पेपर देने के लिए आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जाना है, जैसे आपको मोबाइल लेके नहीं जाना, बेल्ट लेके नहीं जाना, अंगूठी पहन के नहीं जाना है। ये सब चीज़ें आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि वहाँ पे बाहर आपको उतरवा लिया जाएगा या रख लिया जाएगा इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें ना लेके जाएं। तो आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।